तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे बड़ा कलश है एक तरीके से कलश यात्रा का, वो यहाँ पर मौजूद है। महाराज जी थोड़ा सा बता पाएंगे हमारे देखने वालों को कि ये किस तरीके से पूरी की पूरी यात्रा कैसे शुरू हुई और इन सब चीजों का महत्व? पहले यहाँ पर जल मातृकाओं का पूजन हुआ, फिर कलशों का पूजन हुआ, और फिर इस जल कलशों का पूजन करके फिर इस जल को हम अपने आगे के क्रम पूजा क्रम के लिए ले जाएंगे और इसी से प्रतिष्ठा के कार्यों में इस जल से पूजन किया भी जाए। इस जल को सिर्फ सरयू नदी का पानी है या गंगा जी या जो तमाम नदियों? सरयू नदी का है। पहले जो यहाँ पर स्थान पर जो नदी है उनका पूजन हुआ और वहीं पर जला था। आइए ठीक। और ये भी आप देख सकते हैं उमा, अगर आप ये दिखाएं महाराज जी, इसमें आप बता पाएंगे सामग्री, पूजा सामग्री जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पूजा में उपयुक्त होने वाली सारी सामग्रियां हैं। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि। नैवेद्य मतलब मीठा जो है। नैवेद्य मतलब मीठा। जी जी। और यथा लब्ध, जैसे कि षोडशोपचार से भी विपरीत अलग तरीके से जो पूजन हो सके वो सारी सामग्रियां इसमें उपलब्ध हैं। तो ये जो जल ले जाया गया है ये उसी पूजा का हिस्सा है? उसी पूजा का है। जल इस्तेमाल इन्हीं सामग्रियों के द्वारा उन सारे चीजों की पूजा हुई है। अभी जिन्हें आपने देखा है जो पूजाएं हुई है उनका नाम है वर्धनी कलश पूजा। वर्धनी कलश पूजा, इसका क्या मतलब क्या होता है अगर साधारण भाषा में लोग समझना चाहें? भाषा से यदि लोग समझना चाहें तो ये कलश यात्रा के पूर्व की पूजा है। अच्छा। हाँ, यही 9 कलश होते हैं जिनको वर्धनी कलश कहा जाता है। सामान्य जनता को समझना हो तो ये वर्धनी कलश है जिसकी कलश यात्रा निकलती है। शोभा यात्रा भी एक तरह से ये सरयू नदी से चलेगी और कहाँ तक जाएगी? जाएगी रामलला के मंदिर के पास। रामलला के मंदिर अंदर मंडप बने हुए हैं, उन्हीं मंडप में इनका स्थापना होगा और ये गर्भगृह तक जाएगा। फिर जल और ये पूरी की पूरी पूजा की सामग्री, पूरी सामग्री अंदर जाएगी। और फिर 22 तारीख या आज ही से सारा का सारा पूजा का कार्यक्रम जो है, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि तैयारी एक तरीके से शुरू हो चुकी है। प्रतिदिन पंचदिनात्मक कार्य है, प्रतिदिन पूजाएं प्रारंभ का कार्यक्रम है। हाँ जी, तो प्रतिदिन कुछ कुछ पूजाएं जो एक एक दिन होती जाएंगी तो आप लोग पांचों दिन तक यहाँ आते रहेंगे? पूजा लगातार यहाँ की पूजा संपन्न हो चुकी है। अब गर्भगृह का काम है, अब अंदर काम, अब अंदर काम, अब मंडप का कार्य प्रारंभ होगा। किस तरह के आप लोगों को संदेश दिया गया है, किस तरीके से कुछ बताया गया है कि ये करना है ये नहीं करना है, ऐसा भी कुछ है? क्योंकि बनारस से काशी से अलग अलग पंडितों को यहाँ पर बुलाया गया है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ दिशा निर्देश हैं? वहाँ पर होने वाले पूजाओं में चारों वेदों की पारायण होगी। जी ठीक है। और मंडप पूजन होंगे और मंडप में जितने वेदियां बनेंगी उन सारे वेदियों का पूजन और चारों द्वारों का पूजन इत्यादि अन्य कई पूजन होंगे। 22 तारीख को आप भी अंदर ही रहेंगे? हाँ, 22 तारीख को भी अंदर ही रहेंगे। जो विशेष पूजा होगी उसका हिस्सा बनेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का भाग्य है कि प्रभु राम ने हम लोगों को स्मरण किया, हम लोगों को यहाँ बुलाया, बस उनकी कृपा ही है। आप लोगों को क्यों चुना गया, इसके पीछे भी कुछ कारण है, कुछ आप बताना चाहेंगे? इसका कारण भगवान जाने, भगवान जाने, भगवान की ही कृपा है कि हम लोगों का सौभाग्य है। इतने बड़ी जनसंख्या में हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये हम लोगों का नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मृत्युंजय प्रसाद त्रिपाठी। मृत्युंजय प्रसाद त्रिपाठी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वो तमाम संत पंडित हैं जो कि ये जो कलश यात्रा के बारे में उन्होंने बताया वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद यहाँ की पूजा पूरी हो चुकी है, अब अंदर जो गर्भगृह है वहां की पूजा की जो एक तरीके से कार्य है वो शुरू होंगे और उन कार्यों के बाद ही जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 22 जनवरी को वो एक तरीके से शुरू होगा। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कलश जो है वो प्रभु ये का शिवलिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप सरयू के किनारे देखेंगे तो सरयू के किनारे पर सरयू का जल एकत्रित किया जा चुका है, कलश में रखा जा चुका है। कलश अब यहाँ से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के स्थान की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ की पूजा पूरी हो चुकी है, अब यहाँ के बाद से तैयारी शुरू होगी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की, जिसमें यही पवित्र जल जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हम जैसे जैसे यहाँ पर पूजा की ये जो कार्य पद्धति है ये आगे बढ़ेगी हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। फिलहाल सरयू के घाट से कैमरा पर्सन उमाकांत के साथ रोहित जुगलाल।